students, welcome all of you. This is chapter number 1 and lecture number 9. So last lecture mein we discussed the JEE questions, 5 JEE questions which based on the mole, molecules and atom. Okay, so aage further hum zyada numerical ye lecture mein kya karenge, padhenge. Okay, so jo bhi students पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, सो आई सजेस्ट कि वो एक बार जल्दी से लेक्चर नंबर 6, 7 और 8 को जल्दी से रिवाइज कर लें और बाद में ये वीडियो को क्या करें, रिज्यूम करें, ताकि आपको यहां पर जो भी चीज बताई गई है वो अच्छी तरह से समझ में आए. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ नीट क्वेश्चन. ओके, विच वॉज आस्क्ड इन नीट 2017. Okay, so very good questions in a sense. So let's read it. Okay, 42 milligram mein weight aapko diya gaya hai, 42 milligram of hydrocarbon compound. Hydrocarbon matlab it consists only carbon and hydrogen. Okay, like methane, ethane, propane, butane. Okay, so hydrocarbon compound contain 3.01 into 10 raised to 20 molecules. तो यहां पर आपको रिलेशन दिया गया है वेट और नंबर का. ओके, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला आपको क्या करनी है, कंपाउंड की फाइंड आउट करनी है. चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, C3H6, C6H12, C12H22 एन C2H4. तो रिलेशनशिप आपको पता है मोल का, मोलिकुलर वेट का, मोलिक्यूल्स का और एटम्स का. बट यहां पर जो मैं डिस्कस करना है वो मोल, उसका मोलिकुलर वेट और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ये तीनों को मिलाकर आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है. तो वीडियो पॉज करो, बाय सेल्फ ट्राई करो, चेक करो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, सो वीडियो पॉज करो. ओके फ्रेंड्स, सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों का सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, सो यहां पर दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें बताई गई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेट और मास. केमिस्ट्री में आप मास बोलो या फिर वेट बोलो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, केमिस्ट्री में दोनों चीज हम क्या करेंगे, सेम ही लेंगे. तो जब आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.01 into 10 raised to 22, तब आपका वेट कितना है, 42 मिलीग्राम. अब ये मिलीग्राम को हम क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या होगा, 42 into 10 raised to minus 3 ग्राम. क्यों, क्योंकि ग्राम बड़ा यूनिट है, मिलीग्राम छोटा यूनिट है, और एज वी नो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. ओके, बट वी हैव टू कन्वर्ट द मिलीग्राम इनटू ग्राम. ओके, सो जब हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, 42 इंटू 10 रस टू माइनस 3 ग्राम. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशन चेक करेंगे किसका, तो एवोगैड्रो नंबर का, सॉरी यहां पर क्या है 20. ओके, सो 6.022 इंटू 10 रेस टू 23 में कितने ग्राम हमारा कंपाउंड होगा. क्यों हमने एवोगैड्रो को सिलेक्ट किया, पसंद किया, क्योंकि हम रिलेशन जानते हैं कि सर 1 मोल मतलब 1 एवोगैड्रो मोलेक्यूल्स एंड 1 मोल में जो भी वेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोलेक्युलर वेट और मोलेक्युलर मास. हम क्या कहेंगे, मोलेक्युलर वेट और मोलेक्युलर मास. तो अगर हमें 1 मोल का वेट मिल जाए
तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से कंपाउंड का एटॉमिक मोलेक्युलर मास क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पर हमारे पास मोल रिलेशनशिप में नहीं है, हमारे पास कौन है मोलेक्युलर रिलेशन में है, मतलब एक एवोगैड्रो का नंबर का जो भी वेट होगा जो भी मास होगा उसको हम क्या कहेंगे उसका मोलर मास कहेंगे। और एक एवोगैड्रो नंबर मतलब आपको पता है 6.022 × 10⁻²³। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो यहां पर हमने रिलेशनशिप का क्या किया यूज किया। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा 6.022 × 10⁻³³ × 42 × 10⁻³-3 upon 3.01 × 10⁻²³। तो देखो 10⁻³³ 10⁻³-3 it becomes 10⁻²³ which is cancel out। रफली कैलकुलेशन करेंगे यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और ये 6 है, तो 3 × 2 = 6। सो 2 × 42 मतलब 84 ग्राम। और ये 84 ग्राम क्या है इसका मोलेक्युलर मास है, क्या है मोलेक्युलर मास। क्यों मोलेक्युलर मास है सर? मोलेक्युलर मास तो 1 मोल में होता है, तो हमने 1 मोल कैसे फाइंड आउट किया, हमने रिलेशनशिप को यूज किया कि 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 × 10⁻²³ मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो 6.022 × 10⁻²³ में हमारा कितना आंसर मिला 84 ग्राम। सो 84 हमारा क्या हो गया मोलेक्युलर मास। अब ऑप्शन चेक करेंगे सर, ऑप्शन में कहीं पर भी 84 नहीं लिखा है, दे गिव फॉर्मूलास। ओके, तो फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हम तो निकाल सकते हैं मोलेक्युलर मास, तो चेक करते हैं सभी के मोलर मास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो C3H8, फर्स्ट ऑप्शन C3H8, 3 carbon, 8 hydrogen, carbon 12, hydrogen 1, 36 + 8 मतलब 42। सॉरी यहां पर 6 है, तो 42 होगा। सेकेंड 42, तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि हमारा मोलेक्युलर मास क्या होना चाहिए 84 आना चाहिए। तो सेकेंड चेक करेंगे C6H12, 6 carbon, 12 hydrogen, carbon 12, hydrogen 1, 12, 6, 72 + 12, 84। सो ये ऑप्शन और ये आंसर क्या हो रहा है मैच हो रहा है। सो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C6H12। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेम क्वेश्चन एक और दिया गया है, तो सेवंथ क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13.8 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 4.6 × 10⁻²² एटम्स, देन फाइंड आउट इट्स एटॉमिक मास। फोर ऑप्शंस आर गिवन, 290, 180, 34.4 एंड लास्ट डी 10.4। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टॉप करो और विद इन अ 1 मिनट इसका आंसर चाहिए, क्योंकि अब लॉजिकली आप क्लियर हो, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट आपको क्या करना है अच्छी तरह से करना है और स्पीड से करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो। यस स्टूडेंट्स, सो लेट्स चेक। ओके, सो सिंपल वे में, काफी फास्ट वे में करेंगे के आपके पास 4.6 × 10⁻²² मोलेक्यूल्स है, तब आपका वेट क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है 13.8 ग्राम।
तो सर मोल हम किसको पिक्चर में लाएंगे, एवोगैड्रो नंबर को। सो 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ग्राम ऑफ वेट ऑफ कंपाउंड एंड दिस वेट इज मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। सो कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6.022 × 10⁻²³ × 13.8 डिवाइड बाय 4.6 × 10⁻²² ये 10⁻²² और ये 10⁻²³ है। सो नेट रिजल्ट क्या होगा 10। अब यहां पर रफली कैलकुलेशन करते हैं, ये 4.6 और ये 13.8 है। ओके सो अप्रोक्सीमेटली 4 × 3 = 12 बट ये 4.5 के अराउंड है, तो उसके हिसाब से हमने इसको जल्दी से रफली अप्रोक्स वैल्यू लिख दी, क्या लिख दी 3। तो 3 × 6 मतलब 18 × 10 = 180 ग्राम। देखो आपको कैलकुलेशन रफ वे में ही करनी है, अप्रोक्स वे में ही करनी है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑप्शन काफी दूर दूर है, 10 है, 34 है, 182, 90 है, मतलब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो वेरी इजी न्यूमेरिकल बट इट कैन बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके सो आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नए 3 क्वेश्चंस, ओके छोटे इजी बट वेरी हेल्पफुल। ओके सो 8th question is approx number of atoms of 0.004 gram of magnesium। मतलब आपके पास 0.004 gram magnesium present है, तो उसमें approximately कितने number of atoms present हो गए। okay, तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, within a 1 minute क्या करो इसको find out करके बताओ। okay सॉल्यूशन चेक करते हैं दोस्तों, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 मोल से स्टार्ट करेंगे। सो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वेट होगा 24 ग्राम। सो 1 मोल में 1 एवोगैड्रो नंबर, और 1 एवोगैड्रो मतलब 6.022 × 10⁻²³। ओके सो हमारे पास यहां पर कितने प्रेजेंट है, 0.004 ग्राम। सो 24 ग्राम कंसिस्ट एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³, देन 0.004 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल कैलकुलेशन कर ली है, देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0.004 × 6.022 × 10⁻²³ डिवाइड बाय 24। चलो अप्रोक्स वैल्यू ही बतानी है, तो इसको 6 कंसीडर करेंगे, तो 6 × 4 = 24। अब देखो 0.004 है, उसको हम 4 × 10⁻³ - 3 लिख सकते हैं, 10 4 4 कैंसिल, 10⁻²³ 10⁻²-3, सो लास्ट आंसर होगा 10⁻²⁰। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके सो सिंपल सा क्वेश्चन, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 0.046 ग्राम ऑफ इथेनॉल कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पर आपको एटम फाइंड आउट करने हैं, बट ओनली हाइड्रोजन एटम। इथेनॉल की फॉर्मूला क्या होगी, C2H5OH। जल्दी से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो जल्दी से। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर, फिर से 1 मोल के पास, 1 मोल ऑफ इथेनॉल, 1 मोल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5
ओ एच, सी टू एच फाइव ओ एच मतलब सी टू एच सिक्स ओ। इसका आप वेट चेक करोगे तो कितना होगा 46 ग्राम। और हमें पता है कि वन मोल में वन एवोगैड्रो मोलेक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट हो गए। बट हमें यहां पर मोलेक्यूल्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसके एटम्स में इंपॉर्टेंस है। टोटल एटम आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 2511, मतलब दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल 9 एटम्स हो गए। सो 9 into एवोगैड्रो एटम्स, टोटल एटम्स कितने हो गए 9 एवोगैड्रो। बट सर हमें टोटल एटम में भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ हाइड्रोजन में ही इंटरेस्ट है। तो 9 एवोगैड्रो में से हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 6। सो 6 into एवोगैड्रो एटम्स हाइड्रोजन के क्या हो गए यहां पर प्रेजेंट हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई कि 46 ग्राम में 6 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए प्रेजेंट हो गए। तो इसको साइड में लिख लेते हैं, 46 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 6 into एवोगैड्रो हाइड्रोजन एटम्स। अब एवोगैड्रो मतलब 6.022 × 10⁻³। तो हमें कितने दिए गए हैं, हमें यहां पर 0.046 ग्राम लेना है। हमें कितना लेना है 0.046 ग्राम। सो उसमें कितने, तो सिंपल कैलकुलेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, और इसको डिवाइड करो 46 से। अप्रोक्स वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये 6 और 6 इसको इरेज कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या होगा 36। ये 46 कंसीडर करो, अगर इसको 46 कंसीडर करोगे तो 46 × 10⁻³ क्या होगा -3। ओके 46 × 10⁻³ - 3, 46 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ओके तो अब क्या बचेगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 36 × 10⁻³ एंड 10⁻³ - 3, तो बचेगा क्या 10⁻², 10⁻², 20। और इसको अच्छी तरह से लिखे 3.6 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे तो 3.6 × 10⁻² क्या होगा 21 होगा। मतलब के डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके रेडी, तो जितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही था तो वो कमेंट पे जाके लिखे 9th इज करेक्ट, 9th क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट। ओके तो वेरी सिंपल। अब लास्ट मतलब 10th, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 32.3 ग्राम ऑफ Na2SO4 है। यहां पर क्या है Na2SO4, 32.3 ग्राम ऑफ Na2SO4 डॉट इनटू 10H2O। सोडियम सल्फेट आपको दिया गया है और सोडियम सल्फेट के 32.3 ग्राम में कितने ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगेन वीडियो पॉज करो और बाय सेल्फ ट्राई करो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो देखते हैं क्या होगा। आपके पास सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है। सो वन मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। और इसका आप वेट निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 322 ग्राम होगा।
कैसे किया? चलो फिर देख लेते हैं। दो सोडियम, एक सल्फर, ऑक्सीजन 4 एंड 10 10 14 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 20। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं, 223 प्लस 32 14 × 16 मतलब 160 प्लस 64 4 12 1 2 2 2 4 प्लस 20 46 प्लस 32 प्लस 2 2 4 प्लस 20। इसका आप समेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 332 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। ओके, ये कैलकुलेशन सबको अब आती ही होगी। ओके, सो वन मोल में क्या होते हैं? वन एवोगाड्रो नंबर होते हैं मॉलिक्यूल्स के, बट यहां पर हमें जो फोकस करना है वो ओनली ऑन ऑक्सीजन, और उसके भी ग्राम पर फोकस करना है, उसके नंबर पर फोकस नहीं करना है। ओके, सो वो हम क्या करेंगे, अब चीज ध्यान में लेंगे कि सर हम यहां पर मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखे तो वो इथिकली सही है, बट हमें यहां पर फोकस किस पे करना है? ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वन टाइप ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो आप देख सकते हो कि जब भी आप वन मोल ऑफ सोडियम सल्फेट ले रहे हो तो उसमें दो सोडियम, एक सल्फर, 4 × 10 मतलब 4 + 10 14 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी एटम्स क्या है उसके प्रेजेंट है, सो इट कंसिस्ट 14 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो जब भी आप 332 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लोग 332 ग्राम ऑफ कंपाउंड लोगे तो उसमें 14 मोल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 14 मोल मतलब ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16, तो 14 × 16 अभी हमने किया कितना होगा, 224 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 322 ग्राम जब आप क्या ले रहे हो, सोडियम सल्फेट ले रहे हो, तब उसमें 224 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब हमें कितने लेने हैं, 32.3, तो 32.3 ग्राम जब आप लोगे तब आपका आंसर क्या होगा वो आपको क्या करना है, चेक करना है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? सो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। सो आंसर इजी है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली सेम ही समझेंगे, मतलब 322 में 224 है तो 32.3 में कितने हो गए, तो वो अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए, 22.4 ग्राम ऑक्सीजन हो गए, मतलब ऑप्शन डी इज क्या है, करेक्ट है। ओके, तो वेरी सिंपल। ओके, अभी भी दो क्वेश्चन, काफी छोटे से क्वेश्चन करने हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लास्ट टू न्यूमेरिकल्स ऑफ द डे। ओके, काफी इजी है, सिंगल स्टेप क्वेश्चन आंसर है, बट ये जो क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर हमने जो पढ़ा, 6th one जो नीट में पूछा गया था, उसके बाद हमने 4 और क्वेश्चन पढ़े, वो उसकी प्रैक्टिस की, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो आज अभी अगेन दो क्वेश्चंस जो काफी स्मॉल है, काफी इजी है, वन स्टेप में है। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ओके सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दिया गया है कि वेट ऑफ वन कार्बन एटम, वन सिंगल कार्बन एटम का वेट क्या होगा इन ग्राम। ओके सो 1.99 × 10⁻²⁰ 12 1/12 and 1.99 × 10⁻²³ वेरी इजी, सिंगल स्टेप में हो जाएगा। वीडियो पॉज करो, विद इन 30 to 40 seconds आंसर क्या होना चाहिए आपको मिल जाना चाहिए। सो पॉज द वीडियो। ओके लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सो स्टार्ट विथ वन मोल, सो वन मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड इट कंसिस्ट ऑफ एवोगेड्रो एटम्स ऑफ कार्बन। एवोगेड्रो मीन्स 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब 6.022 × 10⁻²³ कार्बन मिलकर 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। सो हमें सिर्फ सिंगल एटम का क्या चाहिए वेट चाहिए। सो सिंगल एटम ऑफ कार्बन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ग्राम, सिंपल इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन करना है। सो 1 × 12 डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻²³। सो ये 6 कंसीडर करो, इसको 12 कंसीडर करो, तो 6 × 2 = 12, बट ये 6 पॉइंट समथिंग मतलब थोड़ी ज्यादा वैल्यू है तो आंसर होगा वो 2 से थोड़ा क्या होगा कम होगा। एंड सेकंड 10⁻²³ नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻²³। सो −23 एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन है। एंड मैंने जैसे बताया कि 6 × 2 = 12, बट 2 से थोड़ी वैल्यू क्या होगी कम होगी क्योंकि यहां पर 6.022 है। सो 1.99 × 10⁻²³ ग्राम वेट होगा किसका, सिंगल एटम ऑफ कार्बन का जो वेट होगा वो इतना होगा 1.99 × 10⁻²³ ग्राम। ओके तो जिन स्टूडेंट्स का भी इक्वेशन सही हो वो कमेंट में जाके लिखे 11th इज करेक्ट। नाउ सेम क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन एम्स 2000, तो क्वेश्चन ये था C60 है, ये क्या है C60 H122 122, ये मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का सिंगल मॉलिक्यूल का आपको क्या करना है वेट क्या करना है फाइंड आउट करना है ग्राम में। ऑप्शन क्या है 1.4 × 10⁻²⁰ 21, 1.09 × 10⁻²⁰ 21, 5.025 × 10⁻²³ एंड 16.23 × 10⁻²³। ओके सो वीडियो पॉज करो, विद इन 1 मिनट इसको सॉल्व करो। चलो दोस्तों सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो वन मोल से स्टार्ट करेंगे, सो वन मोल ऑफ C60 H122 क्या वेट होगा, 16 × 12 कार्बन 12, सो 720 122 हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन का वेट 1, सो 720 + 122 मींस 844 ग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर, सो एवोगाड्रो मतलब 6.022 × 10⁻²³ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ C60 H122, बट हमें तो किसका वेट चाहिए सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल का। सो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ C60 H122 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ग्राम, सो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 1 × 844 डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻²³। इसको हम 6 कंसीडर करेंगे और इसको हम 840 कंसीडर करेंगे, तो 6 840 140
10^-23 हो जाएगा ऊपर आके, सो 140 × 10^-23 सो 1.4 × 10^-21 ग्राम, दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन जिसका भी सही हो वो कमेंट में जाके लिखे 12th इज करेक्ट वन। सो आज हमने अगेन काफी सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स पढ़े, और यहां पर हम ये लेक्चर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड, यही टॉपिक के रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।